तो फ्रेंड्स सिस्टम होता है सिंपल, जैसा हम फाइनल अकाउंट में फॉलो करते हैं बेसिक रूल हमको अप्लाई करने होते हैं। वो रूल होते हैं कि फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग अक्रूअल सिस्टम फॉलो करना है, एडजस्टमेंट शुड हैव टू इफेक्ट, याद है? सो ऐसे ही सब सिस्टम यहाँ पर भी हमको बनाने हैं। आई रिपीट, ऐसे ही सब सिस्टम हमको यहाँ पे भी बनाने हैं। तो अब फाइनल अकाउंट बनाने के लिए एडजस्टमेंट शुड हैव टू इफेक्ट, अक्रूअल सिस्टम फॉलो करना है। अब उन सब का जो सिस्टम पहले था वही सिस्टम यहाँ पे है। एडिशन में एक बॉडी बोलूंगा कि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन इज लाइक एडजस्टमेंट ओनली। आई रिपीट, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन इज लाइक एडजस्टमेंट ओनली। माने आपको सब कुछ एडजस्टमेंट ही दिया है, मान लो जब एडजस्टमेंट ही दिया है तो एडजस्टमेंट शुड हैव टू इफेक्ट, याद है ना आपको? दो इफेक्ट कैसे होंगे? तो दो तरीके हैं, या तो हम उसके डायरेक्टली दो इफेक्ट डालें या फिर उसको एक एंट्री पास कर दो। सिंपली अगर हम उसकी एक एंट्री पास कर दें देन इट्स बिकम मोर इजी टू अंडरस्टैंड। सो आई रिपीट, जो फाइनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट आप पहले बनाते थे वही यहां बनाना है। यहाँ पे फर्क आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन भी कंसीडर लाइक एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट शुड हैव टू इफेक्ट। वो दो इफेक्ट या तो हम एंट्री पास करके दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी दे सकते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि हमको एंट्री पास करके देना चाहिए। ठीक है, सो नाउ फ्रेंड्स आई ओपन। मैं नोट को ओपन करता हूं, उसमें अभी हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेशन बार बार बंद हो रही थी। आई होप आपको ये दिख रहा है बराबर। सो नाउ आई एम राइटिंग, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड है, यहाँ पे हम कंप्लीट फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, वेयर वी प्रिपेयर ऑल फाइनल अकाउंट पार्ट दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सेम एज वी डू इन फाइनल अकाउंट फ्रॉम 11th क्लास ऑनवर्ड। बराबर है, वही हम बनाएंगे। बैंक ने कुछ डिटेल भी बताई है कि सर हम ऐसी डिटेल निकालेंगे, बिल्कुल बेटा मैं उस पर ही आ रहा हूं आपके पॉइंट पर, अभी जो आप बोल रहे उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। अब यहां पर बराबर हियर ऑल गिवन इंफॉर्मेशन इज लाइक adjustment only, so will pass journal entry for each adjustment, so will pass journal entry for each adjustment and provides two effect like we do in नॉर्मल फाइनल अकाउंट। जैसा हम नॉर्मल फाइनल अकाउंट में दो इफेक्ट डालते थे वैसे यहां पे दो इफेक्ट डालने हैं, राइट? ऑल्सो रिमेंबर बी फॉलो
अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग का अक्रूअल सिस्टम है हम वही फॉलो करेंगे जैसा हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे और बढ़ते हैं। बट हियर इंफॉर्मेशन इज वेरी लेस, सो वी हैड मेक फिक्स स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एग्जाम में कैसी भी आ जाए हमारी इंफॉर्मेशन, हमको वो फिक्स मेथड फॉलो करना है, फिक्स स्टेप फॉलो करना है। वो स्टेप्स में सम जब करेंगे तो आपका सम आपको ही देखने में इतना बड़ा लगेगा कि यार ये कैसे आपने कर दिया, ऐसा आपको फील आएगा। बट हर एक चीज यू फील लाइक कि हर एक स्टेप, हर एक पार्ट आप क्रॉस चेक कर रहे हो, यानी एक भी मिस्टेक होने का चांस भी नहीं आएगा। सब्जेक्ट टू हम 2+2 5 लिख दें, अदरवाइज एक भी मिस्टेक होने का चांस नहीं आएगा। ये सारी स्टेप्स फ्रेंड्स मैंने अपने वर्ड्स में बनाई हुई है। मैं खाली आपको बोलना चाहता हूं कि इन स्टेप्स को आप ऐसे सीखो कि एग्जाम हॉल में जब बड़ा सम आ जाए, स्पेशली सिंगल एंट्री का सम फ्रेंड्स, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सम 16 मार्क्स तक का आता है, 15 से 16 मार्क्स तक का, और आप एग्जाम उठा के देख लो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, 90% केस में ये क्वेश्चन आता है। सो आपको 1% भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं सम को कहां से स्टार्ट करूं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, चाहे कैसा भी सम आ जाए। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स डू व्हाट दीज स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप्स है, ये मैंने बताया हमारे ओन वर्ड्स में है, तो हमारे वर्ड्स हैं तो इसलिए हमारे हिसाब से हम कर रहे हैं, राइट। सो स्टेप नंबर 1, एनालिसिस, बल्कि एनालिसिस नहीं बोलेंगे, फॉर्मेट बोलो आप। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना के रेडी करेंगे। नाउ व्हाट इज फॉर्मेट? तो फॉर्मेट से मेरा मतलब है कि जो जो हमको बनाना है हम पहले वो रेडी कर लेते हैं। उससे क्या होगा, हम लोगों को सारी इंफॉर्मेशन बार बार रीड नहीं करनी पड़ेगी। हमारी इंफॉर्मेशन का आउटपुट जहां पे भी जाना होगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना हो, चाहे वो पीएल में जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, हम इमीडिएटली इफेक्ट डाल देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम हॉल में है ना, स्पेशली अकाउंट्स पेपर, क्योंकि आपके ग्रुप वन में आता है, दोनों के लिए ग्रुप वन में, आईपीसीसी के लिए भी ग्रुप वन में है और इंटर वालों के लिए भी ग्रुप वन में है, और पहला पेपर होता है, तो पहला एग्जाम 3 घंटे के अंदर पूरा हो, उसके लिए जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन को एक बार रीड करें और उसके बाद दोबारा रीड करने जरूरत ना पड़े, जस्ट आगे बढ़ते जाएं और इंफॉर्मेशन का जहां पे भी यूज आना है वहां पे डालते जाएं। तो फ्रेंड्स उसके लिए एक फिक्स फॉर्मेट बनाना है हमको एडवांस में। वो फॉर्मेट कैसे, तो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला फर्स्ट पेज ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ये आप लाइन खींच के रेडी कर दो, पहले पेज पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। सेकंड पेज के 3/4 पेज पे क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है, और 1/4 पेज पे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने को आएगा। अगर कभी ओपनिंग बैलेंस शीट उसने खुद ने बना के दे दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ठीक है। तो स्टेप बने हमारा फॉर्मेट, जिसमें पहले पेज पे हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना देनी है, दूसरे पेज पे हमको बोलो बैलेंस शीट, जिसमें 3/4 पे क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड 1/4 पे ओपनिंग बैलेंस शीट। फिर 3rd पेज ऑनवर्ड विल मेक लेजर फॉर ईच given balances, each given balances as working note, 4-5 line for each working note, 4-5 line हर एक working note के लिए बनाएं,
जितने भी लेजर का बैलेंस देगा, जैसे कि डेटर्स का बैलेंस दिया है तो डेटर्स अकाउंट बनाया जाएगा, अगर बिल्डिंग का अकाउंट दिया है तो बिल्डिंग का अकाउंट बनाया जाएगा, जिनका भी बैलेंस देगा हमको सबके बैलेंसेस बनाने हैं और हर एक के लिए चार पांच पेज का, चार पांच लाइन का एक अकाउंट बनाना है जितने भी बैलेंसेस दिए हुए हैं, बराबर। बट फॉर कैश बैंक हाफ पेज का बनाओ, क्योंकि कैश बैंक में ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, सो फॉर कैश बैंक यू मेक हाफ पेज, ठीक। बट स्टॉक अकाउंट जिसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं विल नेवर प्रिपेयर, स्टॉक अकाउंट नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है स्टॉक अकाउंट? स्टॉक अकाउंट विल नेवर प्रिपेयर क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि स्टॉक अकाउंट ऑलवेज फिजिकल वैल्यू किया जाता है, तो यहाँ पे स्टॉक का कोई यूज ही नहीं है बनाने का। इसलिए स्टॉक कभी नहीं भी दिया होगा तो वो बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट से ही पता चल जाएगा, तो स्टॉक अकाउंट नहीं बनाना है, याद रखना है, ठीक है। बाकी के सब चार से पांच लाइन के बनाने हैं और कैश बैंक को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, मे बी हाफ पेज का, राइट। अच्छा, कैश एंड बैंक बोथ अकाउंट विल बी प्रिपेयर टूगेदर सब्जेक्ट टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बोथ आर सेपरेटली गिवन। ये बहुत स्पेशल पार्ट है। हम लोगों को जो कैश बैंक अकाउंट है उसको नॉर्मली साथ में बनाना है, माने कैश स्लैश बैंक एक ही बात है दोनों का मतलब। लेकिन अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे ही बैंक का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया है, आई रिपीट, कैश का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया है सेपरेट सेपरेट, तो दोनों के अकाउंट अलग अलग बनेगा। अदरवाइज हमेशा कैश और बैंक साथ साथ बनाए जाएंगे। ओके, सो कैश बैंक अकाउंट साथ में बनाया जाएगा, क्लियर है, सब्जेक्ट टू दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अलग दिया। So now, third page onward, हम लोग ये working note बनाने वाले हैं। क्या working note है friends, एक बार वापस repeat कर दीजिए। क्या है working note में? सारे ledger जिनके balances दिए हुए हैं, सबका balance के एक ledger बनाना है, like a working note, चार पांच line का एक एक होगा, और cash bank थोड़ा बड़ा होगा, half page का बोल सकते हो, but stock account कभी नहीं बनाया जाएगा, और cash और bank को एक साथ ही बनाएंगे, subject to cash and bank दोनों का opening and closing balance separate separate दिया। ओके, वेरी गुड। सो नाउ फ्रेंड्स, ये हो गया स्टेप थ्री। अब मे भी हो सकता है इस थर्ड पेज ऑनवर्ड में हमारे दो पेज भर जाए, एक पेज भरे, जितना भी लेजर दिया उसके हिसाब से पेज भर जाएंगे, राइट। नाउ फोर्थ, आफ्टर ऑल लेजर वी विल लीव प्लेस फॉर जर्नल एंट्रीज, बिकॉज फॉर ईच एडजस्टमेंट वी विल पास जर्नल एंट्री, ठीक है। सो इसके बाद में हम क्या करेंगे, वी विल लीव स्पेस फॉर जर्नल एंट्री, और वो जर्नल एंट्री जो होगी वो हर एक एडजस्टमेंट के लिए हमको पास करनी है, ठीक है। वो जर्नल एंट्री हमको विदाउट नरेशन पास करनी है, जस्ट एज ए वर्किंग नोट, एज इन्फॉर्मेशन, लेकिन कैंसिल नहीं करना है। कई लोग होते हैं जो एग्जाम में करने के बाद में बोलता है जर्नल एंट्री का क्या काम, उसने मांगा थोड़ी है, कैंसिल कराते हैं। वर्किंग नोट बनाते हैं, बोले मांगे थोड़ी थे, उसने हमने कैंसिल कर दिए, नहीं फ्रेंड्स, ये भी पार्ट ऑफ आंसर है। कई बच्चों ने तो बोला भी था कि सर वर्किंग नोट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
बिल्कुल सही बात है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो फाइनल अकाउंट आप बनाते हो उसमें बैंक नोट भी पार्ट ऑफ आंसर होते हैं। कुछ भी चीज़ आपने जो एग्जाम में लिखी है वो काटना नहीं है, सब्जेक्ट टू वो रॉन्ग हो, रॉन्ग है तो ऑब्वियस बात है हटाना पड़ेगा, बट रॉन्ग का भी करेक्ट हो जाए तो ही उसको हटाओ, नहीं तो उसको भी मत हटाओ, राइट। सो नाउ फ्रेंड्स, ऐसे करके हमने स्टेप वन बना के रेडी कर लिया फॉर्मेट। ये फॉर्मेट क्या है, जहाँ पर हम लोग बोलो जहाँ पे हम लोग खाली एक लाइन खींच खींच के डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या बनाना है, सो दैट क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना पड़े, दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो फॉर्मेट एक बार सर सब लोग फिर से सुन लेंगे। सबसे पहले पेज पे बताइए, बोलते जाइए आप खुद ही, आप उसमें फ्रेंड्स आप अपने आप में बोलिए। सबसे पहला पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट पहले थोड़े वन फोर्थ में आ जाएगा, फिर पीएनएल अकाउंट आ जाएगा, दोनों साथ में बनते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे, सेकंड पेज पे बैलेंस शीट जिसमें क्लोजिंग 3/4 की, ओपनिंग 1/4, राइट। फिर थर्ड पेज ऑनवर्ड विल मेक लेजर फॉर ईच बैलेंसेस गिवन, मे बी जो भी बैलेंसेस दिए हैं उन सबके लेजर ओपनिंग क्लोजिंग लिख के हमको बनाने हैं, जैसे नॉर्मल लेजर बनाते हैं, जैसा हम लोगों ने जब स्टार्टिंग सीपीटी में हम फाइनल अकाउंट सीखते थे जब स्टार्टिंग में लेजर बनाते थे वैसे ही लेजर ही बनेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हम लिख देंगे, हर एक लेजर के लिए 4-5 लाइन छोड़नी है, और अगर कैश बैंक है तो थोड़ा बड़ा बनाना है, स्टॉक अकाउंट कभी नहीं बनाना है, और अगर कैश और बैंक का सेपरेट सेपरेट बैलेंस दिया है दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग तो ही अलग अलग बनेंगे, नहीं तो कैश बैंक एक साथ ही बनाया जाएगा, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर टू, ये तो रहा फॉर्मेट, अब स्टेप नंबर टू, फिल द ऑल बैलेंसेस इन द लेजर एंड स्टार्ट प्रॉब्लम विथ एडजस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग टू इफेक्ट ऑफ ईच एडजस्टमेंट। जब तक दो इफेक्ट हर एक एडजस्टमेंट के ना हो जाए तब तक नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे नहीं जाना है। आई रिपीट, जब तक दो इफेक्ट हर एक एडजस्टमेंट के ना हो जाएं तब तक नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे नहीं जाना है। तो हमने स्टेप टू में क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर जो जो बैलेंसेस दिए हैं सबके बैलेंसेस फिल कर देने हैं, और फिर स्टेप टू के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी एडजस्टमेंट है उनकी एक एंट्री पास करेंगे, और उनके इफेक्ट जहाँ पे भी डालना जाना होगा वो इफेक्ट डालते जाएंगे। क्या लिखा, प्रॉब्लम विद एडजस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग टू इफेक्ट ऑफ ईच एडजस्टमेंट बाय पासिंग द जजमेंट, बाय पासिंग, ठीक है। तो जनरेटी पास करते जाएंगे और हर एक के दो इफेक्ट डालते जाएंगे, ऐसे करके हम सारे के सारे, ऐसे करके हम क्या करेंगे, सारे के सारे इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट डाल देंगे। यानी अब सब में जो भी पार्ट दिया हुआ है सबके सब हमने खत्म कर दिया ऐसा मानेंगे। सो आई कंसीडर हमने बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए, सारे एडजस्टमेंट की एंट्री पास करके उनके डबल इफेक्ट डाल दिए, और हमने सारा सम खत्म कर दिया। नाउ हम कंक्लूजन पार्ट पर हैं जिसका नाम है स्टेप थ्री, दैट इज यहाँ पे नाम दिया है क्लोजिंग प्रोसीजर। क्या नाम है, क्लोजिंग प्रोसीजर। क्लोजिंग प्रोसीजर से मतलब होता है हम लोगों को अब जितना बड़ा जो किस्सा खोल रखा था उसको बंद करना है। पहले हमने स्टार्टिंग में देखो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाई, सब फॉर्मेट स्टार्टिंग में रेडी कर लिया था हमने, फिर लेजर के लिए हमने 2-3 पेज बनाए, फिर जनरल एंट्री पास किया, अब सब कुछ खत्म कर दिया, सारे एडजस्टमेंट को हमने एंट्री पास कर करके खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एडजस्टमेंट ही है और हम एडजस्टमेंट के साथ ही सम चालू करते हैं, लेकिन सब में एडजस्टमेंट ही है तो फर्स्ट लाइन से ही चालू करना है और हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते जाना है। नाउ ये हो गया, उसके बाद में क्लोजिंग प्रोसीजर। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे, फर्स्ट ऐसा लिख दो, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ, after finishing off all adjustment, that is all items in the question, then we start क्लोजिंग
process for that we should remember first be close all working note and try to find balancing figure, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर मिलेगा उसमें, बिकॉज अकाउंट हमारे कंप्लीट नहीं है. तो ट्राई टू फाइंड बैलेंसिंग फिगर, जो भी बैलेंसिंग फिगर हमको दे देगा, एंड गिव द इफेक्ट ऑफ दैट बैलेंसिंग फिगर. उसका इफेक्ट जहां पे भी जाना है वो इफेक्ट डालिए. सो गिव द इफेक्ट ऑफ दैट बैलेंसिंग फिगर. इफ एनी लेजर है टू फिगर मिसिंग, देन अगर दो फिगर मिसिंग है, देन विल क्लोज लेटर. हम उसको बाद में क्लोज करेंगे, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन दो है तो हमको कहां से मिलेगी बैलेंसिंग फिगर. दो फिगर को नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले एक क्लोज करो जिसमें एक एक फिगर मिसिंग है, उसको क्लोज करो. बाद में फिर बाकी के जिसमें दो मिसिंग है उसको एक इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाएगी, उसके बाद में उसको भी क्लोज कर देंगे. सो ऐसे करके एक एक करके हमको क्लोज करना है. जिसमें एक फिगर मिसिंग है उसको पहले क्लोज करो, जिसमें दो फिगर मिसिंग है उसको थोड़ी देर बाद क्लोज कर देंगे, बट क्लोज करेंगे. राइट, आफ्टर ऑल वर्किंग नोट देन वी क्लोज अवर ट्रेडिंग अकाउंट and get gross profit carry down. That gross profit will be brought down in profit and loss account, then close profit and loss account and get net profit. That will be transferred to closing balance sheet in capital. Capital में उसको ऐड कर देंगे, बराबर. Then close opening balance sheet. We get opening capital and finally kya karenge end mein, we close closing balance sheet. It must be tally. And at the end close and at the end close closing balance sheet, which must be tally. End mein hum closing balance sheet banayenge jo ki hamari compulsory tally honi chahiye, barabar. To friends, sara procedure hum logo ne ek safe mein dal diya. सो दैट हमको एग्जाम में कहीं कंफ्यूज ना होना पड़े कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे. राइट, सो स्टेप वन के साथ स्टार्ट करेंगे. स्टेप वन में हमने क्या करनी है, फॉर्मेट बनानी है. फॉर्मेट में हमने ट्रेडिंग पी एल अकाउंट पहले पेज पे बनाना है, फिर सेकंड पेज पे थ्री फोर्थ या टू थर्ड में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, वन थर्ड में या वन फोर्थ में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और फ्रॉम थर्ड पेज ऑनवर्ड ऑल वर्किंग नोट, जिसके लिए चार पाँच लाइन छोड़नी है. कैश बैंक को थोड़ा बड़ा बनाना है, इंस्टर अकाउंट नहीं बनाना है, कैश बैंक साथ में बनाना है, सब्जेक्ट टू कैश बैंक का क्लोजिंग ओपनिंग दोनों बैलेंसेस दिया हो. देन स्टेप नंबर टू, स्टार्ट प्रॉब्लम विद
पहले बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दीजिए सारे लेजर में जहां जहां बैलेंसेस दिए हुए हैं, और एडजस्टमेंट के साथ चालू करना है, हर एक एडजस्टमेंट की एक एंट्री पास करना है और उसके दो इफेक्ट डालना है। जहां भी हमने इफेक्ट आएंगे, हमने फॉर्मेट रेडी कर रखा है तो फॉर्मेट में इफेक्ट डालते जाएंगे, सारे इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद स्टेप थ्री पे आ जाएंगे, क्लोजिंग प्रोसीजर। इसमें हम सबसे पहले वर्किंग नोट क्लोज करेंगे जो हमने लेजर के जैसे बनाए हैं, और उन लेजर में जिसमें एक फिगर मिसिंग है उसको पहले क्लोज करेंगे, और उसका दूसरा इफेक्ट जहां पे भी जाना होगा वो डालेंगे, क्योंकि एक इफेक्ट आया है तो लेजर में दूसरा इफेक्ट कहीं और जाएगा, तो जहां इफेक्ट जाना होगा वहां डालेंगे। ऐसे करके सारे लेजर क्लोज कर देंगे। अगर किसी लेजर में दो फिगर मिसिंग है तो उसको थोड़ी देर से रिकॉर्ड करेंगे। एंड फाइनली जब सारे लेजर क्लोज हो जाएंगे, बाद में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को क्लोज करेंगे, उससे नेट प्रॉफिट मिलेगा, उस नेट प्रॉफिट को क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में ऐड करने के लिए, और अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे उसको क्लोज करके, और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए एट द एंड ऑफ द कोर्स। ओके, तो फ्रेंड्स इतना बड़ा सम है, बट हमने इसको हमारी स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम इन सब का प्रैक्टिकली यूज करते हैं कि कैसे सम को करना है। उससे पहले आप लोग तो ब्रेक का बोलते नहीं हो, हम लोग एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, सो दैट वी स्टार्ट द प्रॉब्लम आफ्टर दैट। ठीक है, सो वी एक ओनली 2 मिनट का स्मॉल ब्रेक है, जो पानी वगैरह पी लीजिए, देन वी स्टार्ट द प्रॉब्लम। ठीक है, खाना लंच ब्रेक 1:30 बजे तक नाश्ता तो कर लिया, आधा बोला कच्चा है उसको, बोला कि कल तक मैंने बोली है कि उधर अब क्या पता क्या कैसे आएंगे।
यस फ्रेंड्स, फॉर स्टार्ट अब प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को आपके मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन लेने हैं। So now friends, let's do the question. Question हम लोग बुक ओपन कर लेता हूं मैं फ्रेंड्स। एक ड्रॉबोर्ड तो चालू हो नहीं रहा है। अलग से ही बुक निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। अपने मॉड्यूल को निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5
कॉन्फ्रेंस हैंग हो गया है, टेक्नोलॉजी है, फायदा भी है नुकसान भी है। आपके पास मॉड्यूल है तो आप वहीं से डायरेक्टली देखना, ठीक है? अगर ये होता है तो ऑन, ठीक है? कुछ इंटरनेट का इशू हो गया है। सुरेश बुक ऑफ अकाउंट वाला सम, यस बेटा, नहीं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार, शिव कुमार वाला सम करना है अपन को। यस, अभी मैंने स्क्रीन ले लिया है मेरा, तो स्क्रीन पे जो भी दिखेगा वो यहाँ पे भी दिखेगा, बराबर? ये क्या आ गया है? फ्रेंड्स, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत हैवी है, हम शिव कुमार वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शिव कुमार वाला, शिव कुमार, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड आई डू लाइक दिस ओनली? जब तक ओपन हो रहा है, जब तक चलते हैं, ठीक है?
So let's start. The following information relating to the business of Mr. Shiv Kumar, who requested you to prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017, a balance sheet as on that date. ठीक है, हमने उसने सारे अकाउंट मांगे हैं हमसे, राइट? प्रितेश बता रहा है स्क्रीन को सिलेक्ट करो. हाँ बेटा, सिलेक्ट कर रखा है स्क्रीन को, लेकिन ये मेरा सरफेस प्रो जो है वो बार बार हैंग हो रहा है. ये क्यों हो रहा है इसका गॉड नोच. उसमें दो तीन एप्लीकेशन में भी किसी में भी नहीं चल रहा है. यस परेश, आईपीसीसी में मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 6 है और इंटर वाले में क्वेश्चन नंबर 5 है. वेरी गुड, मेरे पास इंटर वाला बुक है फ्रेंड्स. सो आईपीसी वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है ऐसा परेश बता रहा है. पेज मेरी बुक में है. दिख रहा है आप लोगों को फ्रेंड्स? आप देखिएगा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार, हु रिक्वेस्टेड यू टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन में उसने 2016 का डेटा दिया है, 2017 का डेटा दिया है, फिर बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार, फिर इन्वेंट्री, बिल्स पेबल, कैश एंड बैंक, सन्द्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सन्द्री क्रेडिटर्स, ऐसे इतना सारा डेटा दिया हुआ है. ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग डिसाइडेड सर्टेन अदर आइटम. ठीक है, ये कैश ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द ईयर, और यहाँ पर कैश बैंक साथ में दिया है फ्रेंड्स, नोटिस कर लीजिए आप लोग, दिख रहा है ना? तो कैश बैंक साथ में है, मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को एक ही अकाउंट बनाना है कैश बैंक का. ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन का डिटेल दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड पेपर एंड मिसलेनियस इनकम, फिर मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूडिंग सैलरी एक्सेट्रा, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अभी दिख रहा है इधर. ठीक है, फिर कैश परचेज, फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड कैश सेल. ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन, बिल रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग 20,000 एंड बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 16,000. ये हमारे ड्रॉन और एक्सेप्टेड जब होंगे तो इनका अदर इफेक्ट डेटर्स क्रेडिटर्स के साथ चला जाएगा, क्योंकि जब बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन होंगे तो उतना बिल्स रिसीवेबल डेटर्स हमारा कम हो जाएगा, और ऐसे ही बिल्स पेबल जब एक्सेप्टेड होंगे तो उतना हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे. सो वी कैन पास द एंट्री फॉर दैट, राइट? सम आइटम ऑफ ओल्ड फर्नीचर हु रिटन डाउन वैल्यू ऑन 31st मार्च 2016 वाज 20,000 was sold on 30th September 2016 for 8,000. Depreciation is to be provided on building and furniture 10% per annum and on motor car 20% per annum. Depreciation on sale of furniture to be provided for 6 months
एंड फॉर एडिशनल बिल्डिंग फॉर द होल ईयर. फ्रेंड्स, हम एक फिक्स एसेट्स के ऊपर नोट लिखेंगे अभी इस सम को स्टार्ट करने से पहले, जो कि हर एक क्वेश्चन में सेम रहने वाला है. राइट, सो राइट द नोट, वो हम अभी थोड़ी देर से लिखेंगे फिक्स एसेट्स वर्किंग नोट के ऊपर. ऑन द डेटर्स अ सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड 2%. आरडीडी भी लगाना है और बैड डेट्स भी है. फिर मिस्टर शिव कुमार, हैज बीन मेंटेन अ स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेट 30% ऑन टर्नओवर. ये अच्छी बात है, हमारा फिक्स 30% प्रॉफिट होता है टर्नओवर के ऊपर, सो दैट हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं हमारे पास टर्नओवर अवेलेबल होगा तो. राइट, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st मार्च 2016 वाज 8000 एंड 31st मार्च 17 वाज 10000. ऑन 31st मार्च 16 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40000. ठीक है, फिर 20% ऑफ द टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड एज फोरकास्ट. इससे हमको ये पता चल गया कि 20% जो सेल होगी वो कैश मानेंगे और बाकी की सेल को क्रेडिट मानेंगे. तो कैश सेल का पता चल जाएगा तो हमको क्रेडिट सेल का पता लगाया जा सकता है. वेरी गुड. फिर एडिशनल द फर्नीचर अकाउंट टू प्लेस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड देयर वॉज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. वेरी गुड, माने फर्नीचर जो है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर हमने परचेज किया है, अगर डिफरेंस आएगा तो उस पर फुल ईयर का डिफरेंस लगाना है. राइट, सो नाउ फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम. फिक्स स्टेप रखनी है, तीन स्टेप जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर रखे हैं वही स्टेप यहाँ पे यूज होने वाली है. राइट, नाउ बिफोर इट मेरे को एक नोट और लिखवाना था आपको, तो मैं नोट और लिखवा देता हूँ. उसके लिए ये नोट लाना पड़ेगा. सो जो वन नोट है उसको स्क्रीन पे लाता हूँ फ्रेंड्स में. देखा वन नोट, वेरी गुड. नाउ नोट, नोट किस बारे में लगाना है, अबाउट द डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट्स. राइट, सो लिखो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट विल बी प्रिपेयर सेपरेट फॉर each type of assets and if depreciation rate is given then depreciation will be charged on closing balance of fixed assets and it will be charged in directly balance sheet. ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना वो डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में चार्ज करेंगे. यू नो व्हाई? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे जो कि लेजर से मिलेगा और फिर लेस डेप्रिसिएशन और उस डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट जाएगा, एक तो वहां से ही लेस हो गया और दूसरा पीएनएल अकाउंट. सो डेप्रिसिएशन का रेट अगर हमको दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन का रेट लेजर में नहीं जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस पर लगाना है. इसलिए क्लोजिंग बैलेंस पहले निकालो और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन बैलेंस शीट डायरेक्टली आइटम लिख. ओके, अंडरस्टूड? सो फ्रेंड्स
हम लोगों को इस टाइप से बैलेंस शीट का इम्पैक्ट डेफिनेट इम्पैक्ट डालना है, राइट। सेम वे फॉर फॉर आरडीडी ऑन डेटर्स, डेटर्स का भी हमको डेफिनेट का रेट लगाते टाइम पर जो आरडीडी रेट लगाते हैं उसमें क्लोजिंग डेटर्स को उठाओ पहले, क्लोजिंग डेटर्स को पहले बैड डेट्स माइनस करो और उसके बाद में आरडीडी लगाओ। माने लेजर के अंदर आरडीडी नहीं लगाना है, लेजर के अंदर डेप्शन नहीं लगाना है, डेप्शन कहाँ लगाना है, बैलेंस शीट के अंदर आइटम लिख के जब क्लोजिंग बैलेंस वहां से आ जाएगा उसके बाद में लगाना है। मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा, इन शॉर्ट जो क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा वो बैलेंस बिफोर डेप्रिसिएशन है, बस इतना याद रखो। आई रिपीट, जो क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा चाहे वो फिक्स असेट्स का हो या डेटर्स का हो, बिफोर डेप्रिसिएशन या बिफोर आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है। ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 मेरी बुक का पेज नंबर 136 या ऊपर नीचे मॉड्यूल में जो भी पेज नंबर हो आप लिख दीजिए फ्रेंड्स। गुड, नाउ सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, फॉर्मेट। इसके अंदर पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 बराबर लाइन खींच दीजिए फ्रेंड्स। आप भी रेडी कर लीजिए फ्रेंड्स, पहले पेज पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के लिए बनाना है, भले बड़ा हो छोटा हो चलेगा, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ये डेबिट अमाउंट होती है ये क्रेडिट अमाउंट होती है, राइट। देन सेकंड पेज बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017 जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलेंगे, बराबर। ये भी फ्रेंड्स हम लोग एज इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं तो हम टी फॉर्म में बना सकते हैं, बराबर। अगर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाना हो तो हम शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट के हिसाब से बनाएंगे। लायबिलिटीज अमाउंट, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट That is as on 31st March 2016 ना, yes, right? Then ये third page onward आ गया। अभी सबके ledger बनाने हैं, चार चार पांच पांच line के, so we can write working note। पहले पूरे पेज पे लाइन खींच लेना, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली लेजर बनाना चालू करेंगे। किसका लेजर बनेगा, जिसकी बैलेंस दिए हुए हैं सबका, बिल्डिंग अकाउंट बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ऐसी आगे निकालिए।
बैलेंस ब्रॉट डाउन, साथ में बैलेंसेस भी लिखते जाइए फ्रेंड्स, कितना अमाउंट है 3,20,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। फिर दूसरा अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया ऐसा मानो, 2 बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट, के अंदर भी बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। फिर नेक्स्ट मोटर कार, मोटर कार पे ना तो डेप्रिसिएशन है ना कुछ है, ऐसे ही बनाना है तो बना दो एक बार, क्योंकि हमने सिस्टम सीखा है, हमको बनानी ही है, ठीक है ना। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 बाय बैलेंस कैरी डाउन 80। फिर इन्वेंट्री अकाउंट नहीं बनाया जाता है आपको पता है, बट इन्वेंट्री का इफेक्ट डालना चाहिए। कहाँ डाला जाता है इन्वेंट्री का इफेक्ट बता दीजिए जरा फटाफट। दो इफेक्ट आने चाहिए, हाँ, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सो लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी, कितना लिखेंगे नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है, कोई बात नहीं। फिर बाय क्लोजिंग इन्वेंटरी, ये पता है कि भी नहीं पता है, हाँ ये पता है 40,000। एक इफेक्ट हुआ है, एक एक इफेक्ट हुआ ना ओपनिंग के क्लोजिंग के, दूसरे इफेक्ट भी डाल दो इमीडिएटली। ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो इन्वेंटरी क्लोजिंग वाली फिगर लिख दो 40,000, ओपनिंग वाली फिगर अभी तक हमको मिली नहीं है, इसके लिए इन्वेंटरी लिख के क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। तो हमने दोनों इफेक्ट डाल दिए, खत्म हो गया हमारा, अभी इन्वेंटरी का कुछ नहीं होने वाला है, सब्जेक्ट टू इन्वेंटरी मिले पहले, हाँ ओपनिंग मिलेगा उसके बाद दूसरा इफेक्ट जाएगा। फिर मोटर कार के बाद दूसरा अकाउंट बताइए कौन सा है। इन्वेंटरी हो गया, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जितने भी बैलेंस दिए हैं सबके अकाउंट बनाने हैं हमको, तो विदाउट थिंकिंग ये काम आएगा कि नहीं आएगा जाने देते हैं। बिल्स पेबल लाइब्रेरी जा गया है, क्रेडिट बैलेंस होता है याद रखना, ओपनिंग है 28, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग है 16। फिर कैश एंड कैश बैंक, ये मैंने आपको बताया था कैश एंड बैंक थोड़ा बड़ा बनेगा, का बैलेंस डेबिट होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,04,000, राइट। फिर सन्डे डेटर्स, इसका बैलेंस भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, अभी पता नहीं है बाद में मिलेगा, ठीक है ना। फिर और बनाइए जितना भी, जब तक सारे लेजर खत्म नहीं हो जाते हैं बनाते रहना है। बिल्स रिसीवेबल, $32,000 डेबिट बैलेंस ओपनिंग, एंड क्लोजिंग बैलेंस 28,000, राइट ना। फिर संधि क्रेडिटर्स, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000
balance carry down? Question mark. Okay, so that's we had done. सारे balances transfer कर दिए. अब यहां से अगर कभी एक आध लेजर और आ जाए, थोड़ी सी जगह छोड़ देना एक दो लेजर के लिए, और फिर जनरल एंट्री हेडिंग बना दे, राइट. सो अभी स्टेप वन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बन के रेडी हो चुका है. बोलिए स्टेप वन कितने लोगों का रेडी हो गया है, क्योंकि अभी हमारे इफेक्ट जाने वाले हैं स्टेप टू से. जब हम बैलेंसेस तो ट्रांसफर कर चुके हैं, अभी हम एडजस्टमेंट पास करेंगे एंट्री और उसके इफेक्ट डालेंगे. सो इसके लिए मेरे को फटाफट बता दीजिए कि कितने लोगों के सारा स्टेप वन फॉर्मेट रेडी हो चुका है. प्लीज रेज योर थंब. यस सर, यस सर, यस सर. कितने लोगों का स्टेप वन रेडी हो गया है, प्लीज टेल मी फास्ट. ना हो तो मत बोलना, भी वेट करूंगा मैं, क्योंकि जब तक हमारा स्टेप वन बन के रेडी नहीं होगा तब तक हम स्टेप टू में जाके अच्छे से जो स्मूथली हमको जाना है नहीं जा पाएंगे. स्टेप वन में हमने पहले पेज पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया हुआ है, ये देखिए. दूसरे पेज पे हमने बैलेंस शीट बनाई है उसके 3/4 पेज पे, फिर उधर ही बैलेंस शीट ओपनिंग भी बना दी है, फिर ब्रेक नोट बनाए हैं सारे लेजर जिनके भी बैलेंसेस दिए हुए हैं, और उसके लिए आपको लाइन खींच लेनी है स्केल से स्ट्रेट फॉरवर्ड, और फिर बीच में से लाइन 4-5 में लाइन छोड़ के छोड़ते जाइए. एक्सेप्ट कैश बैंक थोड़ा बड़ा बनाना है और स्टॉक को बनाना है. सो बता दीजिए फ्रेंड्स कितने लोगों का रेडी हो गया है स्टेप वन, फास्ट बोलिए फ्रेंड्स. एक साथ 7 आंसर आए हैं, वेरी गुड. स्टेप वन डन सर, डन सर, डन सर, डन सर. सबके आ गए हैं. निशा का सबसे पहले आया है, फिर प्रितेश, हिना, अदिल, प्रितेश, परेश, प्रियंका. ओके, नाउ स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टार्ट प्रॉब्लम विथ एडजस्टमेंट. चूंकि सब एडजस्टमेंट ही है, सो इफेक्ट डालना चालू करते हैं. सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन का डिटेल दिया है, सेल ऑफ ओल्ड पेपर एंड मिशनरीज एक्सपेंडिंग इनकम. बताइए क्या एंट्री पास होगी आपकी? तो आधा आधा पेज कर लेना एंट्री पास करने के लिए. अपन अपने रेफरेंस के लिए एंट्री पास कर रहे हैं. एंट्री पास करने का सिंपल रूल होता है, जब आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट. बस बच्चे के जैसे सोचो और पता चल जाएगा, ठीक है. सो ओल्ड फर्नीचर बेचा या ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा तो आ गया, दैट इज 20,000. टू, ये कोई सेल नहीं है हमारा, इसलिए उसको मिसलेनियस इनकम लिखा जाएगा, ठीक है, 20,000. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम 20,000 हम लोग मेंशन कर देंगे. इज इट क्लियर? वेरी गुड. अब इसकी पोस्टिंग करनी है, तो अब जरा याद करो, कंप्लीट फाइनल अकाउंट जनरल एंट्री से लेके फाइनल अकाउंट इकट्ठे बना रहे अपन सारे, तो बैंक अकाउंट में जाएगा. अच्छे से देख लो आप, क्योंकि एक एंट्री पास होने के बाद बाकी की एंट्री भी इसी डायरेक्शन में जाने वाली है. तो आपको एंट्री का इफेक्ट डालना, वैसे मैं जानता हूं सबको पता है आप लोगों को, फ्रेंड्स 11th क्लास ऑनवर्ड आप करते आ रहे हो, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आपको 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि जनरल एंट्री का इंपैक्ट लेजर में कैसे जाना है. सो बैंक अकाउंट में जाएगा और पीएनएल अकाउंट में जाएगा, एकदम बराबर है. निशा ने आंसर भी बता दिया. सो बैंक अकाउंट ढूंढो किधर है हमारा, एरा बैंक अकाउंट. डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा, डेबिट आएगा, क्योंकि बैंक डेबिट है तो डेबिट में ही आएगा. किस नाम से आएगा? मिसलिनियस इनकम के नाम से आएगा. कितनी अमाउंट थी फ्रेंड्स? 20,000. एक पहला इफेक्ट हुआ, दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में जाएगा. पीएनएल अकाउंट ढूंढो किधर है, एरा पीएनएल. अब यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा, ऐसा मानो. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन भी कर देंगे टू मिसलेनियस इनकम. कितना? 20,000. बराबर, ये हमारी उस एंट्री का इफेक्ट हो गया. जैसे ही हमने दो इफेक्ट डाल दिए,
आप समझ जाना कि वो क्वेश्चन में मिस्टेक होने का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। वेरी गुड सर, आपने किधर लिख दिया, एक्सपेंस साइड लिख दिया, इनकम में हमारी, वेरी गुड। आप लोगों को बोलना चाहिए था, वेरी गुड। तो मिसलेनियस इनकम, इनकम साइड आएगी फ्रेंड्स। हम लोग एक्सपेंस साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एकदम गलत है, बराबर है, क्योंकि वो क्रेडिट है और क्रेडिट साइड ही आएगा तो क्रेडिट इनकम होती है, बराबर कि नहीं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी के ऊपर कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट दिया हुआ है शायद हमारे लिए, तो जरा पहले सैलरी का एडजस्टमेंट देख लो क्या दिया है। तो आगे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st मार्च 16 वाज 8000 एंड क्लोजिंग वाज 10000। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और बनाना चाहिए। अभी तक हमने जितने लेजर बनाए हैं उसमें एक आउटस्टैंडिंग अकाउंट और बनाना चाहिए, हमने जगह पहले ही छोड़ के रखी थी, एक और बना दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। चूंकि लाइब्रेरीज है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है, ओपनिंग 8000 का है, टू बैलेंस कैरी डाउन 10000। अब ये मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूडिंग सैलरी है, वेरी गुड, परेशान नोटिस कर लिया है, गलत लिखा सर, गुड। चलिए नाउ, वेरी गुड बेटा, अब हमको ये देखना है कि ये एक्सपेंस को पेड किया है तो हम ऐसा मानेंगे कि बैंक गया होगा, सो एंट्री हो जाएगी सैलरी आउटस्टैंडिंग, वर्ड यूज कर लो, डेबिट टू बैंक, कितना पे किया है 80000। वैसे इसमें बहुत सारे आइटम होंगे लेकिन हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि सैलरी आउटस्टैंडिंग अवेलेबल हमारे पास इसके लिए, सो डेबिट साइड लिख देंगे टू बैंक 80000, बराबर, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय सैलरी एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंस 80000, ठीक है, इफेक्ट हो गया। नाउ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अभी एंट्री फटाफट पास करनी है और आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। हाँ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना होगा, तो उसकी एंट्री पास कर दो पहले, तो डेटर्स से पैसा मिलता है तो एंट्री क्या पास होती है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, आया वो डेबिट टू डेटर्स, बराबर, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितना कलेक्शन हुआ, 2,00,000 रुपए का, 2 lakhs। नाउ बैंक के डेबिट में आ जाएगा, देखो किधर है बैंक अकाउंट, टू कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, या डायरेक्ट डेटर्स लिख दो तो अभी चलेगा, 2 lakh। फिर डेटर्स किधर है वो भी ढूंढ लो, फ्रेंड्स ये बहुत ही स्लो है आपका कंप्यूटर है, सरफेस प्रो नाम का है, सरफेस प्रो, बाकी का तो ये डिब्बा लग रहा है मेरे को, तो कोई बात नहीं, बाय बैंक 2 lakhs, राइट। नाउ कैश परचेज, इसकी भी एंट्री पास कर दो फ्रेंड्स, परचेज किया मतलब पैसा गया होगा, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 48000। नाउ परचेज अकाउंट, अभी फ्रेंड्स उसने एक एडजस्टमेंट भी दिया था, उसका भी इंपैक्ट डाल दो साथ में तो खतरा अच्छा हो जाएगा। उसने बोला था कि 20% ऑफ टोटल सेल एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड एज कैश, तो इसका मतलब ये 20% के बराबर है, बराबर ना, तो 20% ऑफ टोटल सेल एंड टोटल परचेज आर ट्रीटेड एज कैश, तो हम वो भी ढूंढ लें साथ में, क्रेडिट परचेज कितना होगा, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स
क्रेडिट परचेज मिल जाएगा हमको, क्योंकि ये 20% के बराबर है, तो हाउ मच 80%, बराबर ना, टोटल सेल का 20% कैश है तो 80% क्रेडिट होगा, और क्या है, निकाल दीजिए 48,000 जो है वो 20% के बराबर है, तो 80% के बराबर कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बताइए फ्रेंड्स कितना होगा, मान लिया 92,000, देखो आ रहा है कि नहीं, सो क्रेडिट परचेज भी आ गया साथ में, काम खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, दोनों इंपैक्ट डाल दीजिए, परचेज में चला जाएगा, परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, यस निशा का आंसर आ गया 192, एक्सीलेंट बेटा, और परचेज ट्रेडिंग में चला जाएगा और एक कैश में और क्रेडिट में, तो पहले ट्रेडिंग में आ जाते हैं, टू परचेज कैश का है 48,000, क्रेडिट 192, बराबर, यस पर इसका भी आंसर आ गया, वेरी गुड, टोटल कितना हो गया बेटा 2,40,000, ओके, नाउ क्रेडिटर्स अकाउंट ढूंढो, कैश अकाउंट ढूंढो, कैश में बाय परचेज, कैश परचेज कितने का था, 48 का ना, फिर जो उधार बेचा वो क्रेडिटर्स में चला जाएगा, एरा संधि क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिट परचेज, वन लाख 90,000, बराबर, हमने परचेज का सुहा कर दिया, अभी परचेज की एंट्री हो गई तो अभी सेल की भी चालू करते हैं, क्या बोला है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्या हो जाएगी एंट्री, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो, पैसा गया कैश, पैसे को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 1,84,000, बराबर ना, ये बैंक और क्रेडिटर्स इफेक्ट में डाल दो फ्रेंड्स, क्रेडिटर में भी डाल दो इसका इफेक्ट, ये रहा क्रेडिटर्स टू बैंक क्रेडिट साइड में 184, सॉरी फ्रेंड्स कॉल आ गया था, सो नाउ हमने संधि क्रेडिटर्स अकाउंट में 184 लिख दिया, और ऐसे ही यहां पे कैश अकाउंट में संधि क्रेडिटर्स 184, बराबर है, चलिए ये भी इफेक्ट हो गया, दो इफेक्ट डालना नहीं भूलना है, बस उतना याद रखो। अब 7 नंबर, कैश सेल, कैश सेल मतलब अभी पैसा आया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
कितना 80,000, क्योंकि उसने बोला था कि ये 20% के बराबर है, तो हम क्रेडिट सेल का भी पास कर देते हैं साथ में ही, 20 हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 80,000 इज इक्वल टू 20%, 80% कितना हो जाएगा बता दीजिए फ्रेंड्स, 3,20,000, सो 3,20,000 ये हमारा सेल का काम खत्म हो गया। बैंक वाली सेल बैंक में पहुंच जाएगी, डेटर्स वाली सेल डेटर्स में पहुंच जाएगी, क्रेडिट सेल, बराबर ना, और सेल जो है वो दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पहुंच जाएंगे, बराबर। चलो लिख दीजिए, पहले ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, बाय सेल्स, कैश सेल है 80,000 का, वेरी गुड, क्रेडिट सेल है, यस, निशा का सबसे पहले आंसर आया क्रेडिट सेल 3,20,000, परेश का भी आ गया और टोटल सेल भी आ गई परेश की, वेरी गुड, टोटल सेल कितनी हो गई 4,00,000। नाउ इनके दूसरे इफेक्ट डालना नहीं भूलना है, तो पहले कैश अकाउंट में चलो, कैश अकाउंट डेबिट साइड कैश बैंक में आ जाएगा, एरा टू कैश सेल 80,000 हमारी पॉकेट में आ गए, फिर संदेश डेटर्स अकाउंट में टू क्रेडिट सेल 3,20,000, अगर लेजर डेबिट है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा, वेरी गुड, चलो ये भी हो गया। नाउ दोनों एंट्री का इफेक्ट खत्म, अब आगे से एंट्री द्वारा पास करते हैं, आगे की एंट्री अब मैं इधर पास करूंगा, ठीक है, ये पार्ट वन हो गया, ये पार्ट टू हो जाएगा। अब कैश ट्रांजेक्शन तो खत्म हो गए, आगे बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग 20,000 एंड बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड 16,000, तो इसके एंट्री पास कर दीजिए, बीआर ड्रॉन किए हैं तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 20, और बिल्स पेएबल की भी साथ में करते जाते हैं, जिससे दोनों को एक साथ ही उधर डाल देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, कितनी अमाउंट हो जाएगी फ्रेंड्स 16,000। एंट्री में किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो हम 11th क्लास से करते आ रहे हैं, राइट। सो नाउ बीआर ढूंढिए, बीआर और डेटर्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल चारों को ढूंढिए और लिखते जाइए, संदिग्ध क्रेडिटर्स दर ही है तो यहाँ लिख दीजिए, संदिग्ध क्रेडिटर्स कम हो गया टू बिल्स पेएबल 16,000, 16 ही था ना, यस, फिर बिल्स रिसीवेबल है तो उसके डेबिट में लिख दीजिए टू डेटर्स 20,000, राइट ना, फिर डेटर्स अकाउंट आ गया तो बाय बीआर 20,000, बराबर, सो बीआर बिल्स रिसीवेबल, संदीप क्रेडिटर्स बिल्स पेबल और रह गया है, बिल्स पेबल किधर गया, ये रहा, बाय क्रेडिटर्स 60, राइट। चलो ए बी एंटी हो गई, फिर सम आइटम ऑफ ओल्ड फर्नीचर हुज रिटन डाउन वैल्यू 31st मार्च 16 वाज 20,000 वाज सोल्ड फॉर
8,000. Deduction is to be provided on sale of furniture for 6 months. और जो बाकी का सेल है उसके ऊपर फुल ईयर का, बाकी का जो परचेज है उसके ऊपर फुल ईयर का. तो लेट्स डू, सबसे पहले हम लोग सेल तो कर दें. एंट्री नंबर कौन सा चल रहा है फ्रेंड? 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो हमने क्या किया, अभी फर्नीचर को बेच दिया, तो फर्नीचर को बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट, हाथ में पैसा आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा. फिर डेप्शन भी लगाना बाकी था उसमें, तो वो भी डेबिट कर दो. फिर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस होगा तो वो भी डेबिट कर दिया जाएगा टू फर्नीचर. बराबर कितना हो जाएगा? सो बैंक 20,000 का फर्नीचर है, बराबर, उसमें से 8,000 का बेचा है. फिर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 6 महीने का 10% के हिसाब से ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे, 10% के हिसाब से 6 महीने का 1,000, बराबर ना? 20,000 के ऊपर 6 महीने का लगेगा. तो लॉस कितना हो जाएगा बता दीजिए फ्रेंड्स. बैंक में 8,000 आ गया, डेप्रिसिएशन 1,000 का, पीएनएल लॉस कितना हो जाएगा बता दीजिए. बैलेंसिंग फिगर आई थिंक 11,000. यस टेल मी फ्रेंड्स. बराबर है 11,000? शुड आई गो अहेड? ओके चलिए. सो नाउ इसके इफेक्ट डाल देते हैं. बैंक अकाउंट में जाएगा 8,000, डेप्शन में जाएगा, दैट इज पीएल में जाएगा 1,000, और पीएल का लॉस हो गया है वो भी पीएल में जाएगा 11,000, और फर्नीचर में क्रेडिट हो जाएगा 20,000. आ जाते हैं बैंक अकाउंट किधर है उसमें डाल दो पहले. ये रहा बैंक अकाउंट, राइट, टू फर्नीचर सोल्ड 8,000. फिर फर्नीचर अकाउंट में बाय फर्नीचर सोल्ड, अब हम चाहिए तो डायरेक्ट 20,000 लिख सकते हैं, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंड में तो 20,000 का बेचा है हमने, उसके अंदर डिटेल में कैश आया इतना, पीएल आया इतना, डेप्शन आया इतना, वो सब लिखा जा सकता है, बट हम ऐसा मान रहे हैं कि वो 20,000 ओवरऑल बेचा है. यस परेश, 11,000 का लॉस, वेरी गुड. निशा का भी 11,000 लॉस आया. थोड़ा स्लो चल रहा है हमारा नेट, इस वजह से आपके पास इन्फॉर्मेशन लेट पहुंच रही है, कोई नहीं. अब पीएनएल अकाउंट में आ गए हम लोग. सो यहाँ पे क्या करेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन सेल फर्नीचर 1,000, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना 11,000, बराबर. सो ऐसे मिलके ये हमारा पूरा एंट्री का इफेक्ट हो गया. बैंक अकाउंट में डेबिट साइड डाल दिया, फिर फर्नीचर हमने क्रेडिट में लिख दिया 20,000 सीधा, बराबर. निशा बोल रही है 30 सेकेंड लेट आता है कमेंट. ओके निशा बेटा, मेरे को नहीं आइडिया था. चलिए नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आगे बढ़ते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल पे लगाना है 20% और 10%. तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल हैं सबके, बिल्डिंग फर्नीचर और मोटर कार के, यस. तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं सो दैट हमारा काम खत्म हो जाएगा डेप्रिसिएशन का. सो टू डेप्रिसिएशन किस किस के ऊपर लगाना है? बिल्डिंग के ऊपर
360,000 के ऊपर, सीधा लगा दो कितना परसेंट बोला है, 10%। फिर बाकी के सबके ऊपर लगा दो, फर्नीचर, सिक्सटी एट के ऊपर कितना परसेंट, 10%। सो ये हो गया 56,000, बिल्डिंग 36 है ना, 36 फिर 68,000 के ऊपर 10%, 6800। फिर मोटर कार 80,000 के ऊपर 20%, 16,000। ये हमने तीनों का एफएन लगा के खत्म कर दिया। क्लोजिंग लाइन पर एफएन लगाना होता है, वो ही हमने लगा दिया है। अब चूंकि इसका सेकंड इफेक्ट भी डाल देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे, तो सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपकी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर भी इफेक्ट डाल दीजिए इसके, बराबर। सो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले बिल्डिंग 3,60,000 लेस डेप्रिसिएशन 10% लगेगा, 36,000। इस सॉफ्टवेयर के साथ में फ्रेंड सब हैंग हो जाता है, आई डोंट नो कि सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है क्या। थ्री लैख 60,000 माइनस 36,000, 3,24,000। फिर फर्नीचर 68 का बैलेंस है, डेप्रिसिएशन 10%, ये हो जाएगा 61,200। फिर मोटर कार 16,000 का डिफरेंस लग गया, कितना हो जाएगा, 64,000। और इनके दूसरे इफेक्ट तो हम यहाँ डाल चुके हैं, देख लीजिए आप, पीएनएल अकाउंट के अंदर हमने दूसरे इफेक्ट डाल दिया है 36, 68 और 6,000 का। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखिए 36 बराबर 6,816,000, 36,000, 6,800 and 16,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं जाएगा। और आ जाते हैं आगे, अभी डेफिन का काम खत्म कर दिया। ऑन द डेटर्स अ सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज 2%। सो डेटर्स का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है क्या, नहीं है। सो ये हम अभी नहीं लगा पाएंगे, पहले डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाएगा, बाद में लगाएंगे। मिस्टर शिवकुमार हैड बीन मेंटेन स्टडी ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन द टर्नओवर, ये हमारे बहुत काम का है, सो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ये देखिए जरा ट्रेडिंग अकाउंट में 2GP कितना बोला है, 30% ऑन सेल, 30% ये ना, यस। तो सेल हमारे पास अवेलेबल है 4,00,000, तो 1,20,000 प्रॉफिट हो गया, समझा कि नहीं, ओके ये भी हो गया। चलो अभी प्रॉफिट का दूसरे इफेक्ट भी डाल देने, तो भूल जाएंगे, तो 120 क्लोजिंग बैलेंस आ गया, दो इफेक्ट हो गए, राइट ना, हर एक चीज़ के दो इफेक्ट आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने अकाउंट बना दिया है,
ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ये ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमारे कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल फंड इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। सो इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस हम कैपिटल फंड यहाँ लिख देंगे 40,000 का जो इंक्लूड है ऑलरेडी, ऐसा मान लेंगे। फिर 20% ऑफ टोटल सेल आर कैश एंड रिमेनिंग इज क्रेडिट, वो हमने अज्यूम कर लिया है और पहली ट्रीटमेंट हो चुका है। एडिशनल इन फर्नीचर अकाउंट टू प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर देर वॉज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इसका मतलब हम लोगों ने फुल ईयर का ही डेप्शन लगाया है, वही हमने किया है। सो फ्रेंड्स फाइनली ऑल आइटम गेट ओवर। हमको लग रहा था कब खत्म हो गए, तो बहुत सारा सम है, बट फाइनली सब खत्म हो चुका है, बराबर है। अब हमको क्या करना है, इन सबको क्लोजिंग प्रोसीजर यानी कि स्टेप 3 में पहुंच जाना है, क्लोजिंग प्रोसीजर। सो लेट्स क्लोज फर्स्ट ऑल वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्लोज करते टाइम पर क्या करो, बिल्डिंग को 320 360। तो अब ये जो डिफरेंस आया होगा दैट इज बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग, इतना 40,000, तो 360 हो जाएगा। सो ये दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा, क्योंकि कैश एसेट्स बढ़ गया, बराबर ना। बाय बिल्डिंग परचेज 20,000, बराबर है, बिल्डिंग हमारी 360 को गई ना, तो 20,000 क्यों, 40,000 परचेज। ठीक है, यहाँ पे भी 40,000 निकाला होगा हमने, राइट, हाँ 40 निकाले। फिर फर्नीचर ये भी परचेज है, 28 का फर्नीचर परचेज हो जाएगा, वो भी दिखा दो। बाय फर्नीचर परचेज 28, इनको रिफ्रेंड भी डालते जाओ फर्नीचर, ये तो इसका नोट नंबर 1 था, इसका नोट नंबर 2 है, बराबर ना। परचेज किया है तो पैसे जाएंगे हमारे, वो सोच के हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर मोटर कार, इसमें कोई चेंज नहीं है, टोटल हो जाएगा डायरेक्टली। फिर बिल्स पेबल, ये 44 उस 44 में से 16 जाएगा, 28, ये क्या बन जाएगा हमारा 2, बैंक, माने इतना बिल्स पेबल को हमने पेमेंट कर दिया होगा, तो ये बैंक है तो बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। बाय बिल्स पेबल 28,000, बराबर। ये बिल्स पेबल हमारा परचेज हो गया, पेमेंट कर दिया हमने बिल्स पेबल का। फिर आगे बढ़ते हैं, कैश बैंक को सबसे लास्ट में करेंगे। सन्डे डेटर्स ये हो गया 4,08,000, 4,80,000, कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा 2,60,000, वेरी गुड। नाउ ये क्लोजिंग बैलेंस हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, वो अपन लास्ट में लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर हमारा एक आरडीडी डिपेंड था, तो वो आरडीडी जरूर अपन कर देते हैं। तो आरडीडी कैसे करेंगे, पीएल में आ जाइए,
to RDD on debtors, उसमें जितना bad debts हो चुका है वो तो लिखना ही है, कितना bad debts हो गया है 8000। फिर RDD कितना बचेगा, कितने का debtors का balance आया था, ₹2,60,000 का आया था। तो 2,60,000 के ऊपर पहले 2,000 माइनस करो, और इसके ऊपर कितना परसेंट बोला RDD का, 2% ना, 2,60,000 माइनस 8,000 का 2%, 504। अब चूंकि RDD और डेटर्स दो बर्ड हो गए हैं तो इन दोनों को दो इफेक्ट डाल दो, तो एक तो डेटर्स में जाएगा, वो डेटर्स में हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि हम पहले ही लिख चुके हैं, और RDD जो है वो भी हमारे बैलेंस शीट में से माइनस हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर दिखा देते हैं इसको, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितने का है, अभी निकाला था 2,60,000, उसमें से डेटर्स बैड डेट्स 8,000 का, और RDD 5040 का माइनस कर दीजिए, 2,60,000 माइनस 8,000 माइनस 5040, 2,46,960, बराबर। थोड़े ज़्यादा तो नहीं हो गए डेटर्स, इतना हो सकता है, ओपनिंग कितना है 160 है, तो क्लोजिंग 260 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, डेटर्स का काम खत्म कर दिया हमने अभी, परफेक्ट। अब बिल्स रिसीवेबल से पेमेंट आएगा 52, कितना बचेगा 24 बाय बैंक, पैसा उन लोगों ने दे दिया तो बैंक अकाउंट में 24 लिख दो, बराबर ना, बैंक अकाउंट में 24 लिख दीजिए फ्रेंड्स, टू बी आर 24। नाउ और कोई लेजर बचा है क्या, देखो जरा, संजय क्रेडिटर्स, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है हमारे पास, तो संजय क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 3,12,000, बस 5 मिनट बस टैली हो रहा है, फ्रेंड्स उसके बाद में करते हैं, 3,12,000 माइनस 1,84,000 माइनस 16,000, 1,12,000 बैलेंस, निशा बोल रही है 2,46,960, क्या है बेटा ये, हाँ बैलेंस बराबर है, वो लिख दिया अपन ने राइट, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, वो बाद में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी में जो भी डिफरेंस आएगा अब पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, और कहाँ जाएगा राइट, 82 यस, तो 82 पीएनएल लिख दीजिए फ्रेंड्स, सैलरी एंड अदर मिशनरी एक्सपेंडिचर ऐसा लिख के ऊपर लिख देता हूँ, टू सैलरी एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंस, कितना आया था 82 राइट, ये भी खत्म हो गया। अब ऑल लेजर फिनिश एक्सेप्ट कैश बैंक, तो उसको भी क्लोज कर दीजिए फ्रेंड्स, कैश बैंक को क्यों छोड़ा है, अब कैश बैंक में क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, सब दिया है, तो अकाउंट टैली होना चाहिए कैश बैंक,
बराबर यस बेटा डेटर्स का लिख दिया मैंने तो कैश बैक अकाउंट टैली करके देखो फ्रेंड्स टैली हो रहा है कि नहीं क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिए हुए हैं अकाउंट मस्ट बी टैली कैश बैंक टैली करके देखो बताओ मेरे को कितना आंसर आ रहा है ये भी 2080 है ना 28 + 10 512,000 टैली हो गया फ्रेंड्स क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं था हमारा टैली करने के लिए राइट सो अकाउंट टैली नाउ सारे लेजर क्लोज कर दिए कोई लेजर नहीं छोड़ा हमने सो अब ट्रेडिंग पीएल पे आ जाते हैं उसको क्लोज करते हैं वहां से देखते हैं क्या मिलेगा क्योंकि इस बार ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास सो इस बार क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक विल बी द बैलेंसिंग फिगर 4,40,000 टोटल आया वेरी गुड हिना का भी आंसर आ गया 5,12,000 परेश का भी आ गया निशा का भी आ गया एक्सीलेंट नाउ कितना आंसर आएगा ओपनिंग स्टॉक का वो भी बता दीजिए क्योंकि इस बार ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक इज द बैलेंसिंग फिगर -2,40,000 - 1,20,000 80,000 आ रहा है ओपनिंग स्टॉक 80,000 आ रहा है इसका दूसरा इफेक्ट डालना नहीं भूलना है ओपनिंग बैलेंस शीट में क्योंकि वो अपन भूल जाएंगे इसका लेजर नहीं बनाया था अपन ने ये 80 लिख दिया क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गया ठीक है नाउ नेट प्रॉफिट निकाल दीजिए फ्रेंड्स ग्रॉस प्रॉफिट तो पहले ही ब्रॉट डाउन कर रखा है मैं नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखूंगा आई होप प्रॉफिट ही आएगा फ्रेंड्स 120 + 20 = 1,40,000 टोटल होना चाहिए नेट प्रॉफिट बता दीजिए कितना आ गया परेश का ओपनिंग स्टॉक आ गया वेरी गुड बेटा निशा का भी ओपनिंग स्टॉक आ गया अभी नेट प्रॉफिट निकालते जाइए 1,40,000 में से ये सब माइनस कर दीजिए ये 36,000 है फ्रेंड्स फिर 6,800 है 16,000 है फिर 8,000 है फिर 5,040 सो 1,65,000 840 यानी कि लॉस हो रहा है फ्रेंड्स सो यहाँ टोटल 165,840 लिखिए 165,840 और बाय लॉस दिखाइए देखो फ्रेंड्स लॉस आ रहा है मेरा तो आप एक बार चेक कर लो सब लोग लेस 1,40,000 सो 25,840 का लॉस आ रहा है प्लीज चेक 25,840 का लॉस है बराबर है फ्रेंड्स शुड आई गो अहेड आई एम वेटिंग 25,840 का लॉस आ रहा है यस सर लॉस परेश का बराबर 25,840 है बेटा परेश निशा का भी आंसर आ गया है यस 25,840 वेरी गुड नाउ बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट के लिए हमको जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के आइटम है वो सब फिल कर दे पहले हम लोग बराबर कुछ तो हम फिल कर चुके हैं कुछ बाकी हैं उनको फिल कर देते हैं पहले सारे बैलेंसेस सो सारे बैलेंसेस आपको कहाँ से मिलेंगे लेजर से मिलेंगे या फिर जो क्वेश्चन में दिए थे देखो ये क्वेश्चन में जो दिए हुए थे सीधा वहां से लिख दीजिए
जिनके बैलेंस नहीं थे हमने ढूंढ लिए हैं, तो लेट्स राइट बैलेंस शीट के बैलेंसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग क्लोजिंग लिख दिया है, ओपनिंग लिखना बाकी है, ओपनिंग भी लिख देते हैं 3,20,000। बराबर, फिर फर्नीचर क्लोजिंग लिख दिया है, ओपनिंग लिख देते हैं 60। फिर मोटर कार, ये भी ओपनिंग लिखना बाकी है 80। फिर इन्वेंट्री लिख दिया है, क्लोजिंग ओपनिंग दोनों लिख दिया है। फिर बिल्स पेबल, लाइब्रेरी साइट आएगा, ओपनिंग 28 का है, और क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में 16 दिया हुआ है। फिर कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक ओपनिंग है 1,80,000, और कैश बैंक का क्लोजिंग है 1,04,000। ये भी अगर नहीं दिया होता तो हम कैश अकाउंट से ढूंढते, बराबर ना? सर बैलेंस शीट टैली हो गया है। अरे वाह, एदिल शेख ने तो कमाल कर दिया, 8,68,760, वेरी गुड। मैंग परेश, नेट प्रॉफिट फॉर क्लोजिंग बैलेंस शीट 14,160। बेटा वो अपन बात करेंगे अभी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आने दे, लेट्स सी। नाउ कैश बैंक का बैलेंस लिख दिया हमने, फिर क्या बचा? संदी डेटर्स, संदी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1,60,000, क्लोजिंग हमको मिला था, तो वहाँ से लिखेंगे हम लोग। जरा डेटर्स का अकाउंट देखो फ्रेंड्स कौन सा है, डेटर्स के अकाउंट से मिला था ना, मान लियो मैंग बोल रहा है टोटल 8,68,160 होगा। ओके भाई आदिल से चेक करो बेटा, क्लोजिंग बैलेंस आया था, डेटर्स का तो हो गया है ना, क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया है, ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि फाइंड किया था ना, तो अपने आरडीडी भी लगाया था उसके ऊपर, तो क्लोजिंग डेटर्स हो चुका है। नाउ बिल्स रिसीवेबल, सो बीआर ओपनिंग में कितने हैं 32, और क्लोजिंग में कितने हैं बीआर, अब यहाँ जगह तो बची नहीं है, डेटर्स को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि डेटर्स हम लिख चुके हैं ऊपर, मैं यहाँ बी आर लिख देता हूँ, राइट। कितने के हैं बी आर फ्रेंड्स 28। फिर संधि क्रेडिटर्स, संधि क्रेडिटर्स 1,20,000 का ओपनिंग है, क्लोजिंग हमने ढूंढा था, निकाल लो जरा कितना आया था सेंड्री क्रेडिटर्स का क्लोजिंग, यस एरा 1,12,000। और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी अकाउंट है फ्रेंड्स, उसको नहीं भूलना है अपन ने, अलग से बनाया था, राइट ना, पहले इसको लिख देता हूँ 1,12,000। ए वर्किंग नोट से आया है हमारा, राइट। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको भी लिख दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्लोजिंग था 10,000 का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग है 8,000। देखिए सारे बैलेंसेस हमने लिख दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक भी लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया है, राइट। आदिल से बोलता है यस 8,68,160। निशा नहीं सर, क्या नहीं बेटा, लेट्स सी। चलो अभी बैलेंस शीट में कैपिटल निकालें पहले, तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट को क्लोज करो जैसे हम स्टेनो अफेयर में करते थे। कैपिटल फंड इंक्लूडिंग ओपनिंग प्रॉफिट, बताइए कितना आता है कैपिटल फंड, बताइए ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आ रहा है। निशा का आंसर 9,12,000 है। ओके बेटा लेट्स सी,
अभी पहले आप मेरे को ओपनिंग कैपिटल फंड बताइए, ओपनिंग कैपिटल से कितना आया है? ओपनिंग कैपिटल 7,16,000 की आई है, वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल कितना है? ₹9,12,000, राइट, लेस 28,000, लेस 1,20,000, लेस 8,000, 7,56,000 आ रहा है बेटा। इंक्लूडिंग प्रॉफिट लिखना है अपन को, अलग से ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखना है। हाँ, प्रॉफिट अलग से नहीं लिखना है, हमको इंक्लूडिंग लिखना है। तो 1,756 आंसर हो गया, कैपिटल 756 हम यहाँ लिख देंगे, लेस लॉस करंट ईयर का। अभी लॉस आया था हमारा, कितना आया था? 25,000, कितना था फ्रेंड्स? 25,000 हो जाएगा, राइट, लेस 25,840, 7,30,000, 160, 7,30,000, 160, बराबर। The total. Now, total of balance sheet. Finally, everything is done. So, total of balance sheet कितना हो जाता है? निकालिए जरा। 7,30, 160 plus 10,000 plus 16,000 plus 1,40,000. 8,68,000. 160. 8,68,000. उधर आता है 8,68,160, मैंने तो लिख दिया डायरेक्टली, टैली करो फ्रेंड्स। 40,000 प्लस 3,24,000, 61,200, 64,000, 246,960, 1,04,000 एंड 28,000, 8,68,160, वेरी गुड परेश, टोटल 8,68,160 निशा। तो फिर ऊपर वाले का टोटल कैसे आला था अलग? कौन बोला 9,12,000 निशा बेटा, कैसे आया 9,12,000? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस का टोटल, ओके ओके ओके, राइट बेटा, थैंक यू। ओपनिंग कैपिटल 7,46,56 होगा इंक्लूडिंग दैट प्रॉफिट, राइट। एंड फाइनली बैलेंस शीट टैली विथ 8,68,160, वेरी गुड फ्रेंड्स, मजा आ गया। नाउ फ्रेंड्स, वन क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट गेट बैलेंस शीट टोटल टैली बिफोर माय क्वेश्चन सॉल्यूशन? मेरी टोटल लिखने से पहले कितने लोगों का टोटल टैली हो चुका था? प्लीज टेल मी फास्ट। यस यस बेटा निशा, वो ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल था, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। नाउ कितने लोगों का बैलेंस शीट मेरे से पहले टैली हो गया था, बताइए जल्दी। एट लैख 68,160 कितने लोगों का बैलेंस शीट मेरे से पहले टैली हो गया था? हिना का हो गया था, वेरी गुड। आदिल से, यस बेटा तेरा पहले एक बार रॉन्ग हो गया था छोटा सा आंसर, बट बाद में तुमने उसको ठीक भी कर लिया, वेरी गुड। यस आदिल से, यू आर द फर्स्ट वन, बट आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, दैट यू हैड करेक्टेड। परेश का भी हो गया था, वेरी गुड। यस निशा का भी मेरे से पहले हो गया, एक्सेलेंट फ्रेंड्स। आप पहला क्वेश्चन आप कर रहे हो, याद रखो, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। क्वेश्चन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, आई फील कि आप मेरे सामने ही बैठे हो, भले ये वर्चुअल क्लासेस चालू है बट एक्चुअली आप सामने ही बैठे हो, ऐसा मेरे को फील आ रहा है, एक्सेलेंट।
एंड फ्रेंड्स अगर आप ध्यान दो तो ये हमारा अराउंड 6-7 पेज का कुछ सॉल्यूशन हो गया है, 6 पेज तो हो ही गए होंगे विद वर्किंग नोट, एक पेज ट्रेडिंग पीएल का, एक बैलेंस शीट का, फिर 3 पेज वर्किंग नोट के, एक पेज जर्नल एंट्री का, तो ऐसे मिला के 6 पेज अराउंड हो गए हैं। अच्छा आदिल सिंह बोलता है सर दैट वाज टाइपिंग मिस्टेक, अच्छा ओके ओके, मतलब आंसर तेरा बराबर था, वेरी गुड बेटा, नो प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स मजा आ गया, थैंक यू सो मच। ये हो गया हमारा जो डायरेक्ट यहाँ पे कंप्लीट फाइनल अकाउंट मेथड का पार्ट करना था, राइट। अब इसमें थोड़े 2-3 टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको आपका लंच ब्रेक कराऊंगा, क्योंकि आप तो ब्रेक की बात ही नहीं करते हो, थोड़ा मेरा भी ध्यान रखो फ्रेंड्स। सो नाउ ब्रेक फॉर 1 आवर, लंच ब्रेक, और लंच ब्रेक के बाद आपको एडवांस में जो करके रखना है वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि किसी का लंच जल्दी हो जाएगा। मेरा छोटा बाबू है, थोड़ा सब फैमिली के साथ बैठ के लंच करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सी इंटर वाला, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको इसके बाद चालू करना है, जो कि हम लंच ब्रेक के बाद क्लास में डिस्कस करेंगे। इज इट डन? सो नाउ फ्रेंड्स लंच ब्रेक फॉर 1 आवर, we'll meet again at 3 o'clock. Okay friends, मजा आया कि नहीं? Are you enjoying? Okay friends, thank you very much, see you after break. अच्छा क्वेश्चन 6 फर्स्ट लाइन रीड करके बता दूं आपको, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट लाइन, आदमजी कीप्स हिज बुक्स, आदमजी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, आदमजी करके है, यस आदिल से एक बराबर है, आदमजी, ओके यस हिना, थैंक यू बेटा, यस सर एंजॉइंग, निशा हाँ सर थैंक यू बेटा, इस क्वेश्चन को होमवर्क बात करेंगे, ओके चलो नाउ अभी थोड़े टाइम के लिए लंच ब्रेक डाल देते हैं, आई जस्ट एंड द ब्रॉडकास्टिंग।